मुंबई से आया मेरा भाई, मुंबई से रहा है बहुत बड़ी ट्रैफिक लगी है अभी यहाँ से। हम लोग अभी ऑटो से जाएंगे स्टेशन भाई, जल्दी उड़ा उड़ा भाई। उड़ा उड़ा इंडियन देसी आइडिया दिया है, फुक मारो फुक मारो। भागो भागो, अभी पीछे हुआ है झगड़ा। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। अभी हम जा रहे हैं केनिया। केनिया जाने का सफर हम दिखाएंगे। अभी ट्रैफिक में उलझे थे तो दोस्तों को भूख लगी है तो वड़ा पाव खाने के लिए रुके। अभी वड़ा पाव खाएंगे, यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। मुंबई एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पे निकलेंगे, टर्मिनल 2। और हमारी फ्लाइट है 10:50 में और 2 घंटे तो पहले ही पहुँचना है अपने को। तो निकले आज, बहुत दिनों के बाद मोबाइल पकड़ा है, ब्लॉगिंग भूल गया हूँ। ब्लॉगिंग मुझे बोलते हैं ना कि आप डेली प्रयास करेंगे, डेली कुछ करेंगे तो आपके वीडियोस, आपका जो भी टैलेंट रहेगा, आपकी जो भी चीज़ रहेगी तो अच्छी बन जाती है। तो अभी देखो ये आ गया, और एक आ गया मेरा भाई, सब आ रहे वड़ा पाव लेने के लिए गए थे। तो मंडळी चला आपण निघूया आता। तुम्हाला मराठी पाहिजे असते नेहमी तर मराठीतच। आणि हा बघा सागर, सिंगर सागर आणि राहुल गाड़ी चालवत आहे, तर मराठी असेलच नेहमी। तो आपको मराठी में जो थोड़ा थोड़ा आपको फ्लेवर चाहिए होता है, इसलिए मैं मराठी फ्लेवर डालूंगा आपके लिए। और आपको, आपके क्वेश्चन थे बहुत सारे कि मेरी शादी हुई कि नहीं और मेरे पास पैसा कहाँ से आता है, मैं कैसे घूम पाता हूँ, इतने सारे देश में कैसे घूमा। ये इस ट्रिप के एंड में सब ये वीडियोज में बताऊंगा, तब तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक आपको ये सफर, ये जर्नी आपको इंजॉय करनी पड़ेगी। सो मजा करेंगे भाई लोग, मजा करेंगे। पर ट्रैफिक देखो धीरे धीरे चलते और रास्ते तो बहुत खराब है भाई साहब, बहुत खराब है। गांव से निकला, माँ बाप का आशीर्वाद लिया और बड़ों का आदर है, बड़ों का प्यार है। सो मजा आता है और ब्लेसिंग लेके जा रहा हूँ, दोस्तों का प्यार लेके जा रहा हूँ। गांव का लड़का अफ्रीका घूम रहा है, वियतनाम घुमा, बांग्लादेश घुमा, कैसे घुमा, इसका सब आपको, सब चीजों का आपको मैं एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन, सब चीज़ों का मैं दूंगा। आपका बहुत सारा क्वेश्चन है इस चीज़ पे कि पैसा कहाँ से आता है, तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको ट्रैवल कैसे करना चाहिए इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अभी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे है और एक फंडा है, मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है और दिल्ली एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होने वाला है, तो इधर धक-धक हो रहा है थोड़ा। तो चलते हैं आगे, चलते हैं और आगे दिखाते हैं क्या है, तब तक बने रहे वीडियो में। ये पूरा तैली लेके बैठा है तो आपको पता है कि इनको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा हेवी वेट होता है तो इनको समझ में नहीं आता कितना भूख लगता है वो। सो ऐसा है दोस्तों, अपने यार है तो ट्रैफिक हो गई भाई लोग। अरे यार ट्रैफिक का बहुत झमेले है हमारे यहाँ पर, बहुत बड़ी ट्रैफिक लगी है। अभी यहाँ से हम लोग अभी ऑटो से जाएंगे स्टेशन से जाएंगे एयरपोर्ट। अभी देखते हैं, ट्रेन भी मिलनी चाहिए यार, बहुत लंबी ट्रैफिक है यहाँ पर, देखते हैं अभी क्या होता है। ऑटो मिल गया, अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए इधर भी बहुत ट्रैफिक है यार, डर लग गया डर। भाई जल्दी उड़ा 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 जल्दी उड़ा। लग गया यार, इन ऑटो वाले का भी ख्याल लेना यार, देखो ना गैस स्टेशन खत्म। अरे पर ऐसा नहीं ना यार, बोला था ना हमारी कार भी है ना। अरे देखो ये देखो मेरा भाई आ गया। अरे अरे पर मेरे को लग रहा है अभी मेरी फ्लाइट चली जाएगी, हंस रहा हूँ मैं, पर देखते हैं अभी क्या होता है, कितना टाइम लगता है देखते हैं अभी। अभी देखते हैं अभी क्या होता है, ट्रेन मिलती है कि नहीं। ये देखो बीट देखो, कल्याण की बीट देखो। भागो भागो, ट्रेन तो आ गई भाई। अभी यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए मैं।
ये लोग बोल रहे हैं कि हम बैग संभालते दोनों, क्योंकि पूरा जर्नी में तुझे ही बैग संभालना है। ये देखे चढ़े आगे भाई लोग आ गए काम धंधा छोड़ के मेरे पीछे। सिग्नल पे खड़े यार, हम देखो कितना हुआ है दोस्तों, 9:30 और मेरी फ्लाइट है 10:50 की, और कम से कम मुझे 2 घंटे पहले पहुंचना था। बहुत लेट हो गया हूँ क्योंकि ट्रैफिक और बाकी की चीज़ें, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी अपने को बोर्डिंग पास मिल चुका है, ये देखिए। तो अभी चलते हैं दिल्ली, दिल्ली में विस्तारा का फ्लाइट है, तो विस्तारा के फ्लाइट से हम जाएंगे दिल्ली। तो चलते हैं गेट नंबर 42। आपको मैंने मुंबई एयरपोर्ट बहुत बार दिखाया है, अभी दिल्ली एयरपोर्ट दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ दिल्ली लाइफ में, तो आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये देखिए मुंबई एयरपोर्ट का थोड़ा सा माहौल देखिए, बहुत शांति शांति है। सो चलते आगे। विस्तारा एयरलाइंस का स्टाफ था, वो हमारे मराठी बंदे थे, लड़कियाँ थी। उन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था, उन्होंने मुझे दिखाया कि आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, ऐसा वैसा। सो बहुत मज़ा आया, और 2-4 बंदे भी मिले जो मराठी बंदे, और वो बोले कि आपके वीडियोस देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं अभी क्या है, चलते आगे। तो दोस्तों यहाँ से अभी जा रहे थे, तो सर मिले, तो हमारे वीडियो देखते। सर आप हमारे कब से वीडियो देखते हैं? हम काफ़ी साल से देखते हैं आपके वीडियोस। तो सर हमारे वीडियो देखते, और मैं वॉशरूम गया था, तो सर बोले कि आपको मैं वीडियो देखा, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कौन सा वीडियो, कौन सी कंट्रीज के वीडियो? अफ्रीकन कंट्रीज के वीडियो सर देखते हैं, तो अच्छा लगा सर, थैंक यू। अभी मैं फिर से अफ्रीका कंट्री जा रहा हूँ। ओके, तो आने वाली सीरीज देख लेना आप। तो यस थैंक यू। तो आपको मैं जैसे बताया था कि विस्तारा की एयरलाइंस की कोई स्टाफ था लड़किया, उन्होंने भी मेरा वीडियो देखा था, और वहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट पे, अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ। तो सर भी वीडियो देखते हैं, तो अच्छा लगता है कोई बोलता है कि वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट में हमारा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया, उन्होंने मुझे पूछा कि रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाओ। मैं बोला था ना कि रिटर्न फ्लाइट टिकट का झमेला होगा ही होगा, तो रिटर्न फ्लाइट टिकट का 2-4 क्वेश्चन पूछे। तो मैंने भी दिमाग लगाया, इथोपियन एयरलाइंस पे विदाउट पे आप 24 आवर्स के लिए टिकट बुक कर सकते हो, तो मैंने बुक कर लिया। और आपको पता है केन्या जाना रहेगा, तो केन्या ने वीज़ा फ्री कर लिया है, बट $35 का आपको ETA लेना ही है। तो बहुत सारी चीज़ें, हम चौथी बार जा रहे हैं केन्या, चौथी बार हमारे पासपोर्ट पे 3 बार केन्या का स्टैम्प है। भाई साहब एयर इंडिया वालों ने ना इतना भगाया है ना आज, गेट नंबर 12 पे थे, अभी 26 को आए, इधर से उधर खाली भगा रहे, बहुत डिले कर दिया उन लोगों ने, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा डिले, 1.5 घंटा। तो मेरे को एयरपोर्ट पे हो गए थे 12, और ये 13-14 घंटे हो गए यार दोस्तों। चलिए देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। दोस्तों रैंडमली मैं इन भाई के साइड में आके बैठा, तो इन्होंने डायरेक्टली बोला आप ब्लॉग बनाते हो, आपने वीडियो देखा था क्या मेरा? मतलब आपने कौन सा वाला वीडियो देखा था? तो ब्लॉग मतलब विस्तारा की एयरलाइन की जो स्टाफ थी, उन्होंने मुझे बोला, मेजर थे आर्मी के, मतलब आर्मी मैन थे, उन्होंने भी आवाज़ दिया आप वीडियो बनाते हैं। मैं बना तो मैं अभी भी स्टार्ट किया है, ज़्यादा पुराना नहीं, 1 साल हो गया। तो अच्छा लगता है, इंटरेक्शन होता है और सब्सक्राइबर मिलते हैं। थैंक यू भाई, आपका नाम? अमित। थैंक यू। अभी पीछे हुआ है झगड़ा। क्या हुआ है पता नहीं। फ्लाइट डिले हुए, उसके वजह से कुछ हुआ है, तो उधर कुछ चालू है उनका, तो हम उधर नहीं जाते, तो हम इधर ही बैठते, नहीं तो हम उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे एयर इंडिया वाले। 1 बजे फ्लाइट थी, और 4 बजने को आने वाले अभी फ्लाइट दिल्ली में ही, एयर इंडिया याद रखना, एयर इंडिया कैसा है। झगड़ा हुआ था वो भी डालता हूँ।
झगड़ा भी हुआ है वो भी डालता हूँ वीडियो में, खतरनाक, मेरी तो हालत ही खराब कर दी। चलो अभी चलते बैग का वेट करते हैं भाई साहब। इमिग्रेशन हो चुका है, बताता हूँ क्या क्या हुआ। तो बैग देखो कैसे फेंका है, ये देखो कैसे, ओह माय गॉड, ये कैसे फेंका है। तो पिछली सीरीज में आपने देखा था टैक्सी वाले से झगड़ा कैसे हुआ था। अभी एक टैक्सी ड्राइवर है अपना, तो प्रॉब्लम ऐसे है कि मेरे को डर भी लग रहा है, अकेला हूँ रात के यहाँ के 11 बजे, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में 1 बजा है, तो डर डर के जा रहा हूँ क्योंकि लेट हुआ। अरे एयर इंडिया ने बहुत वाट लगा दी, 5 बजे पहुँचने वाला था वो फ्लाइट, यहाँ पे 11 बजे आ गई, तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग CBD नैरोबी मांग होटल, तो चलते हैं और दिखाते हैं वो भी सफ़र। तो अभी क्या करें यार, कहीं कोई बस भी अवेलेबल नहीं थी, तो इससे जा रहा है अभी, तो चलते टैक्सी से नैरोबी। पार्किंग इधर है, ये किधर लेके जा रहा है भाई साहब, किधर लेके जा रहा है अभी मुझे, ये देखो ब्रदर, कोई बात भी नहीं कर रहा। हाँ नीचे पार्किंग है, ऐसा है क्या? वही बोला कि पार्किंग ऊपर है, किधर लेके जा रहा है देखते अभी। बैग रखा है, चलते अभी इससे। What is your name, bro? Edward. Edward Chege. Edward Chege. Jambo. Kikuyu. Mambo. Kwa sana. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna shida. तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा कुछ जानकारी है स्वाहिली के कारण, स्वाहिली के बारे में। स्वाहिली इनकी लैंग्वेज है, तो 1,000 Kenyan shilling मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, मतलब ऑलमोस्ट 900 रुपये के आसपास हो गए। तो अभी आपको बताता हूँ कि क्या हुआ हमारे साथ इमिग्रेशन में। तो मुंबई से हम निकले, मुंबई में हमारे विस्तारा की फ्लाइट से हमको दिल्ली पहुँचाया, टाइम पे पहुँचाया, खाना पीना दिया विस्तारा ने, और वहाँ से आए दिल्ली आए, तो दिल्ली में 12 घंटे का लेवर था और एक्स्ट्रा 4 आवर्स, मतलब 16 घंटे। और यहाँ पर हम लोग 5 बजे पहुँचने वाले थे, तो यहाँ पे 11:25 हुए हैं, मतलब इंडिया में 2.5 घंटे का डिफरेंस है, तो इंडिया में समझो कितना बजा होगा। तो आप इस जर्नी में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, तो नए नए कंट्रीज़ में जाने वाले, फिर ये इस कंट्री में क्यों आया, क्योंकि मुझे अगले कंट्रीज़ का वीज़ा लेना है एम्बेसी से, तो इसके वजह से मैं इस कंट्रीज़ में आया, केन्या में आया, नैरोबी में आया। और नैरोबी ये केन्या की कैपिटल सिटी है, आपको पिछले ब्लॉग में सब बताया, आप मेरे सब्सक्राइबर रहेंगे तो आपको पता ही रहेगा। अभी यहाँ से हम 1,000 Kenyan shilling से ये टैक्सी लिया है, क्योंकि रात को बस नहीं रहेगा तो क्या करें, रात के 11 बजे और सेफ भी नहीं है, तो इसके वजह से हम टैक्सी से जा रहे हैं। इमिग्रेशन में मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं था दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो इमिग्रेशन वालों ने बोला रिटर्न टिकट दिखाओ, तो मैं जल्दी से इथियोपियन एयरलाइंस का टिकट बुक कर दिया, वो एक्सेप्ट हो गया, हमको आगे भेजा। हमारा आगे नैरोबी में इमिग्रेशन में वो बोले आप इतनी बार केन्या क्यों आए, क्योंकि पासपोर्ट पे, क्योंकि उनके सिस्टम में दिख जाता है ना कितनी बार आया है बंदा, तो वो बोल रहे थे क्यों आए इतनी बार, तो मैं बोला एज अ टूरिस्ट इतनी बार, तो मैं बोला ठीक है, तो बोलते रिटर्न टिकट दिखाओ, तो रिटर्न टिकट दिखाया, तो बहुत सारी पूछताछ की, क्यों है, क्या है, क्या काम करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें बताई, तो सिंपल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि एक्सपीरियंस था पिछली बार का, तो हैंडल किया अच्छे से। तो अभी नैरोबी जा रहे हैं, पिछली बार जो वही होटल मांग होटल जो जिसमें मैं पिछली बार भी रुका था वही जाएंगे, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है और बहुत दिन उधर बिताए तो अच्छा लगता है, वो होटल अच्छा है होटल,
सो सीबीडी में, सिटी टाउन में। मुंबई से आया मेरा भाई, मुंबई से है ना 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 ना, मुंबई से आया मेरा भाई, मुंबई से आराम माई नो ब्रो। सो जस्ट से जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अब बोलो, अब बोलो। मुंबई से आया मेरा भाई, मुंबई से आराम भाई। तो यार अच्छा है, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा इनसे इंटरेक्ट अच्छा किया ना, हंस से बात किया ना, तो आपको भी वो हंस के बात करेंगे, एग्रेसिव भी रहते। यू लाइक योर जॉब? I like my job. Yes. 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 You love Indian? I love Indians. Ah. Yeah. So when you coming India? I come go there. तो अच्छा है लगता है यार, मुंबई से आया मेरा भाई, मुंबई से आ रहा है। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति गणपति बप्पा बप्पा मोरिया मोरिया। तो चौथी बार है मेरा केन्या में दोस्तों, और केन्या में आप मचाएंगे 5-6 दिन, और यहाँ से निकलेंगे तंजानिया, तंजानिया से अगले कंट्री। दोस्तों केन्या में आके फर्स्ट डे ही कार बंद हो गई, ये देखो साइड। लेट मी गो देयर। ओह डोंट वरी, हियर इज पुलिस। सो दे सी हियर, कैन आई गो? यू गो विद हिम, विद यू? कैन आई कम विद यू? यू गो विद मी। ओके तो दोस्तों फर्स्ट डे ही कार बंद हो गई, ये देखो। अरे यार, व्हाट वाज द प्रॉब्लम और व्हाई? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? फ्यूल्स। फ्यूल? फ्यूल्स। फ्यूल लॉस? ओह माय गॉड। लेकिन इज देयर। ओह माय गॉड, पहले दिन लपड़ा। सो टेक योर फोन। ओके we go with him, and can you wait me here? Can I come with you? No problem. Go with me. दोस्तों इसके साथ जा रहा हूँ यार, go with me. अकेला बैठना ठीक नहीं है कार में। प्लीज लॉक योर कार बिकॉज माई बैग देयर। ओके Yes, let's go, bro. Okay. मेरे साथ हमेशा ये चीज होती है कि कार बस ये सब बंद होता है। अब पूरे अफ्रीका में, अफ्रीका की सीरीज में आपने देखा होगा, कोई ट्रक ही पंचर हो गया, कोई डोंट वरी इज लाइफ। या देखते हैं अभी जाते फ्यूल लेके आते। ये देखो यार सुनसान रास्ता है, क्रॉस करके जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। पर क्या है, अभी रिक्स तो लेना ही पड़ेगा। कार में अकेले बैठने से अच्छा है कोई आता कुछ धमका था, इससे अच्छा इसके साथ ही जाता हूँ रोड के किनारे चलते चलते। धक 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 कर रहा है। चलते चलते आगे चलते, बाइक पे बैठ के जा रहे हैं अभी। पेट्रोल का भाव देखिए यहाँ पर, पेट्रोल डीजल का मैं लिख के दूंगा स्क्रीन पे, मैं भूल गया अभी। सो 188 188 कैनन शिलिंग पर लीटर। ये देखो पेट्रोल पंप पे आया अभी, ऐसा रहते है पेट्रोल पंप, कैपिटल सिटी है तो अच्छे पेट्रोल पंप है यहाँ पे। भाई इसने पहले ही मेरे से 1000 शिलिंग ले लिए, अभी उधर जाके नाटक नहीं करे तो अच्छे, होटल नहीं छोड़ेगा रुकेगा, ट्रस्ट किया है बंदे पे, देखते हैं। ट्रस्ट करना भी चाहिए, डर लगता है, ट्रस्ट करना अपना काम है। देखते हैं अभी चलते बाइक से धीरे धीरे, साइड से चल रहे हैं बाइक पे। अभी देखो डीजल और पेट्रोल। ब्रो दिस कार ओनर इज इंडियन? कार ओनर इज इंडियन? कार ओनर नेम इज होडा। होडा फिग? नो नो, इंडियन नेम
Indian guy name. I don't know. बट इज वो कार ओनर इज इंडियन. हाँ तो दोस्तों देखिए इंडियंस आके ऐसे कार खरीदते और यहाँ पे ऐसे भाड़े पे लगाते तो ऐसा रहते. आपको करना रहेगा ये बिजनेस तो अच्छा है बिजनेस. दिन के 5-6 हजार कमा सकते. यस यस दोस्तों तो, मेरे दोस्तों ये स्टार्ट नहीं हो रही यार. धक्का मारा सांस फूल गई मेरी अभी. यार क्या पहले ही दिन मेरा क्या नसीब में हुआ है. 6 घंटे में पहुंचता मुंबई से दिल्ली आया. 12 घंटे हो गए. 4 घंटा फ्लाइट लेट. 2 दिन लगे. 30 तारीख को निकला था. ओह माय गॉड आज 31 और इंडिया में तो 1 अप्रैल निकला भी है. ओह माय गॉड 3 दिन लगे. केनिया पहुंचने के लिए 3 दिन लगे. ओ गॉड अभी स्टार्ट भी नहीं हो रही. बहुत चीज़ें कर रहा है कुछ कुछ. दुआ करो दोस्तों. व्हाट हैपन व्हाट हैपन. आई वांट दिस गाय स्ट्राइक हियर. ओ माय गॉड कैन आई पुश. नो. ओ माय गॉड दोस्तों ये देखो सुनसान इलाका है. कुछ नहीं इधर. इंडियन देसी आइडिया दिया है. फुक मारो फुक मारो. 100% एयर पकड़ा क्योंकि डीजल पेट्रोल खत्म हुआ इसके वजह से एयर पकड़ा उसको. तो देखते हैं हवा मारने से कुछ होता है क्या अभी. और कवर भी ऐसे ही है खतरनाक. धक्का मार रहे यार चालू ही नहीं हो रही. पहले दिन मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है यार. अभी दूसरी कार बोलता है मंगवाता हूँ पर पैसा मैंने दिया है. क्या डील होती है अभी क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे. हार्डर हार्डर फास्ट फास्ट फास्ट. ये स्टार्ट हो गई. ये स्टार्ट हो गई यार. चलते यू कॉल योर ब्रदर योर फ्रेंड. यू कॉल योर फ्रेंड नॉट डोंट कम डोंट कम. आई कॉल दी. हाँ ओके. तो दोस्तों धक्का धक्का स्टार्ट करने से हो गई. नेहरू रूमा चलते अभी. नेहरू रूमा नहीं होटल चलते. तो अपने डेस्टिनेशन पे हम रिच हो गए. तो अभी हे ब्रो से हेलो. तो ये बंदा मुझे पहचानता है. सब यहाँ के लोग पहचानते हैं मुझे. तो अभी 5 नंबर पे चलते. ये देखो. तो अभी वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना. वीडियो खत्म करता हूँ. अभी नींद आई है बहुत. खाना तो कुछ खाया नहीं. कुछ तो खाऊंगा उसके बाद मैं कल वीडियो दूसरा बनाऊंगा. तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं. आज का मतलब 3 दिन का वीडियो है. 30 जुलाई को निकला था घर से और आज है 1 अप्रैल. ओह माय गॉड. तो चले वीडियो खत्म करते. बाय बाय टेक केयर.